Revolution and revolutions have their own beginning. और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि एक नई दिशा और आगे बढ़ी है. जो भी हमने साइलेंस में लग दो भैया, रीटेक कर लेते हैं. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. ऐसे कर सो भैया नहीं भैया वो क्या करें, बीवी का फोन आ जाए तो मुश्किल हो जाता है. ठीक है, बंद हो गया, टेक थ्री. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप सब जानते हैं नीडलेस टू से कि कितना चेंज आया है लास्ट 20 साल में, फिर 10 साल में, फिर 5 साल में, फिर 3 साल में. इतना बदलाव ज़बरदस्त हुआ है कि तूफानी आया है. पहले सिनेमा था सिर्फ 95-99 तक, उसके बाद फिर क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ आप सबको पता है. और ये जब मुझे पता लगा कि हमारे स्वप्निल दोस्त हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, कि ये एक ऐसा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में एक, एक यूनिक है. ये OTT मतलब एक और भाषाएं अनेक. अब आप सोचिए कि जो भाषाएं हैं हमारी वो पहले 14 हैं, फिर 28 हैं, फिर 32 हैं, लेकिन बोलियां जो हैं वो 5000 से ऊपर हैं हमारे भारत में. हर 50 किलोमीटर के बाद हमारे भारत में बोली चेंज हो जाती है. तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इनकी टीम को, चेतन जी को, नरेंद्र जी को, सबनु जी, अनिल को, सबको, कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, ये प्रोजेक्ट से जो स्टार्ट किया है, एक नया ही इसका एवोल्यूशन अपने आप में है कि हर भाषा में से भाषा की भाषा यानी हाइपर रीजनल भी में ये जो कंटेंट अच्छा रहा है उसका अनुवाद भी करेंगे, डबिंग करेंगे, और उसके बाद फिर एक नए कंटेंट को कितनी भाषा में ले जाएंगे. आप सोचिए, मैं जब फिल्म बनाता था तो फिल्म हिंदी में ही बनाते थे हम को, दूसरी ऑडियंस सोचते भी नहीं थे कि भाई ये बंगाल में जाएगी तो 10%, साउथ में जाएगी तो 15%, ऐसा हमको एक लिमिटेशन होती थी. लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि जो साउथ की फिल्में भी हमारी, बिकॉज ऑफ द 4 लैंग्वेजेस एंड सेम एनर्जीज, तो दे हैव shown us the result कि now the time has come when we should make film for pan India and for all kind of languages. अभी India has been united through the languages. Content तो मतलब तभी सभी को पसंद है, तभी तो चल रहा है. So we are all epical people. Finally we are the content creator from the Vyas to Valmiki to Tulsidas ji. तो भारतीय होने के नाते भारतीय कहानियाँ हमारे पास 10,000 से ऊपर हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2,000 कहानियाँ बनाई गई हैं अभी तक, 8,000 बाकी हैं. 8,000 कहानियाँ बाकी हैं जो बनानी हैं. अभी चांस नहीं मिला ना बच्चों को, इसीलिए मैंने फिल्म स्कूल खोला अपने जीवन के पार्ट टू में. तो आपके सामने फिल्में बनाता रहा मैं, कि अभी मैं फिल्म बनाता रहा हूँ, अब मैं फिल्म मेकर्स बनाना चाहता हूँ. तो विस्ली वुड्स क्रिएट करने के बाद मैंने बच्चों को यही समझाया कि फाइनली आपके पास बहुत कहानियाँ हैं, उस कहानियों का विश्लेषण कीजिए, उसके भाव समझिए, उसको क्रिएट कीजिए. और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, 15 साल हो गए, और मैं बहुत खुश हूँ कि जहाँ जहाँ भी आज हमारे 2,500 अलुमनाइज हैं जो कि पूरे मीडिया इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया छाए हुए हैं, दे आर ऑन इन गुड पोजिशन, bigger position, and their bosses and their owners compliment me कि आपका बच्चे हमारे यहाँ हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. और मुझे आज के दिन ये भी खुशी है कि OneOTT ने जो आज संधि की है हमारे विस्लीवुड के साथ, उन सब बच्चों की फिल्में सिलेक्ट की हैं, वो सिलेक्ट करके वो इसको आप जनता तक पहुँचाएंगे इन वेरियस लैंग्वेजेस. सो इमेजिन कि हमारे बच्चे कितने खुश होंगे
कि उनके काम को देखने वाले भी एक बहुसंख्यक हैं और कहाँ कहाँ, तो उनकी उनको आज ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एक चैनल मिला उनको बिस्लीवुड के द्वारा, बिस्लीवुड एंड वन ओटीटी की जो एसोसिएशन के द्वारा, ये बहुत ही एक प्रोत्साहन वाली चीज़ है। इसलिए मैं आज यहाँ आया भी इनका थैंक्स करने के लिए, वन ओटीटी का सबका, चेतन जी का सबका, कि कंटेंट क्रिएटर और चैनल जब मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कंटेंट की मिनिमम गारंटी तो हो गई। अगर इन्होंने सत्कार किया है विस्लिंगवुड के बच्चों का, तो विस्लिंगवुड के बच्चे भी इनका बहुत ध्यान रखेंगे। आने वाला कंटेंट भी हमारे पास, इतनी कहानियां हैं, इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि ये तो अपने जो फिल्में ली हैं जो उन्होंने कैंपस में बनाई हैं, लेकिन आने वाली फिल्में भी उनसे आप बनवाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक लिमिटेड बजट में भी वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बना सकते हैं। ये एसोसिएशन जो है अपने आप में एक नया रंग लाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी माय बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स आर विद यू ऑल ऑफ यू, राइज एंड शाइन, कीप सोरिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, हम्बल्ड एंड ऑनर्ड। I'd like to pass on the mic to Chetan bhai to propose the vote of thanks. Before that, Chetan bhai will take two or three questions from the press. Obviously, उसके बाद हम one on one सवाल जवाब करेंगे, लेकिन अगर any, we'll take a few questions if anybody has some. बोला ना सर। Known that you know those future stars have to wait for months and years to meet Subhash ji, and once they meet they become stars. So how difficult it was for you to comb, and how many oots you had to comb to find Subhash ji and bring him on the this dais and for this kind of venture that you have started? Sir, उसका मतलब मेरा उत्तर यह है कि हम सबकी नज़र तो सुभाष घई पे होती ही है, खुशकिस्मती तब होती है जब सुभाष घई की नज़र आप पे पड़ जाए। तो वी डेंट हैव टू फाइंड हिम, वी ऑलवेज न्यू वेर ही सिट्स। हम वी वेरी ब्लेस्ड कि उनकी नज़र हम पे पड़ी। एंड देर आर थ्री पीपल दैट आईड लाइक टू थैंक फॉर दिस स्पेसिफिकली। वन इज राहुल पुरी सर, वन इज चैतन्य चिंसालकर, एंड वन इज आर वेरी ओन सुरेश पाई सर। सुरेश सर इज लाइक अ ब्रदर टू मी, इज लाइक फैमिली। बट इन तीन लोगों ने दे मेड दिस प्रोसेस वेरी वेरी ईजी। एंड मतलब मैं सर के बिहाफ पे ये कहना चाहूँगा, जब मैं सर को काफ़ी इवेंट्स में मिला हूँ एंड पार्टीज़ में मिला हूँ, और बड़े लोग जो होते हैं, जो इस कदर के बड़े, जो लेजेंडरी स्टेटस के होते हैं, वो इतने हम्बल होते हैं कि उनके इर्द गिर्द का जो पैराफर्निलिया है, अगर आपने उसको पार कर लिया तो वो इंसान बड़ा ही आपके और मेरे जैसा होता है। सो आई हैव पर्सनली नेवर, मैं लास्ट टाइम भी जब विस्लिंग वुड्स गया था, सर वॉज इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बट उन्हें पता चला कि मैं आया हूँ, इसे बुला ले यार दो मिनट। उस पूरी भीड़ भड़क के में भी ही टुक आउट टू मिनट्स, ही आस्क्ड मी माई वेल बींग। उसमें भी उन्होंने दो मिनट मुझसे बात की, पूछा कि हाँ सॉरी यार मेरा ये चल रहा है, वरना हम ज़्यादा देर बैठते। तो मुझे लगता है कि इंसान सिर्फ अपने काम से बड़ा नहीं होता, वो बड़ा इसलिए भी होता है बिकॉज वो यहाँ से बड़ा है। तो सुभाष घई तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सुरेश सर के, चैतन्य के एंड राहुल जी के, that they really facilitated and they made it so easy for us. And even the approach of the organization, क्योंकि वन ओ टी टी स्टार्टअप है, हम अभी हमारी बंद मुट्ठी है, वेरस मुक्ता हर्ट्स हो या सुभाष जी हो या विस्लिंग वुड्स हो, ये प्रूवन टैलेंट है, या उन्होंने उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। बट ही वॉज सो फोर्थकमिंग अबाउट द आइडिया कि अरे मेरे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो पैशन जो उनमें है वो हमको ड्राइव करता है टू डू बेटर, टू बी बेटर। एंड ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जब हम नीचे बैठ के चाय पी रहे थे, एंड आई लाइक टू अश्योर हिम दैट वील मेंटेन दैट। ही सेड दैट यू नो विद ग्रेट एक्सेस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नाउ दैट यू हैव एक्सेस टू दीज फिल्म, एंड सो आई होप द प्लेटफॉर्म इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो वी अश्योर यू सर दैट वील ट्राई टू मेंटेन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिलीवर इट ऑन आवर प्रॉमिस। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट वॉज वेरी वेरी ईजी थैंक्स टू ऑल दीज पीपल।
इतना आसान कैसे, हाउ डिड यू गेट कन्विंस्ड, बिकॉज एज सुप्रीम सेड दैट दे आर द यू नो दे हैव जस्ट स्टार्टेड, कोई बड़ा नाम नहीं अभी तक जमा पाए हैं, इट विल टेक सम टाइम टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स, सो हाउ डिड यू गेट कन्विंस्ड दैट यू नो योर थिंग्स दैट योर ब्रेन चार्ज, योर मेनी पीपल वी कॉल इन मीडिया फैक्ट्री दैट यू प्रोड्यूस एंड देन यू हैव गिवन योर प्रोडक्ट्स टू हिम to sort of, you know, bring to the lot of people. So how did you get convinced? Har talent ko, duniya ko exhibit karne ke liye, apna talent dikhane ke liye ek platform chahiye. Jitne aspiring creative artists, writers, directors, producers Hindustan ke hain, unko humne platform diya, Whistling Good. बॉम्बे आई और यहाँ 3 साल का सीखी, इंडस्ट्री से मिली, एक्सपर्ट से मिली, बातचीत की और तैयार हुई. ये प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया. अब उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए प्रोफेशनल, उसके बाद पार्ट टू में कि जिसमें, तो हमने देखा कि प्लेटफॉर्म तो हैं, बहुत हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म की, इस प्लेटफॉर्म की कदर कौन कर रहा है, हुज गोइंग टू वैल्यू इट, उसको वैल्यू उसको कौन करेगा और उसे कमिटेड कौन रहेगा. और जहाँ मैं इनकी कमिटमेंट और जो वैल्यू देखी मैंने उनकी, कि ये भी अभी नई दिशा में है, हम भी उस धर्म में, क्योंकि इनका भी ग्रोथ उसी की तरह है जैसे हमारे बच्चों का होगा. तो इन दोनों का संगम हम अगर अपने अलुमिनाइज के साथ, अपने ग्रेजुएट्स के साथ, अपने टैलेंट के साथ ये कराते हैं, तो ये दोनों का लिए म्यूचुअल बेनिफिट है. तो ये मैंने सोचा और फिर मैं इनको जानता हूँ भी, सुरेश जी भी ने उन्हें उनको बताया, सब मार्गदर्शन दिया कि भाई कैसे 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 हम लोग कर सकते हैं. नहीं तो नॉर्मली हम लोग करते नहीं, जैसे आपने अपने शक दिखाया अपना कि यहाँ कैसे आए आप, है ना, होता ना कि आप इधर लाल शर्ट पहन के यहाँ कैसे आ गए. तो क्या होता है, इससे म्यूचुअल बेनिफिट, व्हेन यू सी कि द पीपल हु वैल्यू यू एंड दे विल टेक योर वर्क फर्दर, they will take your talent, really it is a good platform. और फिर मुक्ताट्स में भी वो बच्चे काम करते हैं, तो we have a huge creative talented team which they will be respected for that. That is why I am here. Thank you. सुभाष जी हाँ जी हाँ. नाही, सगळ्या टॅलेंटला चान्स मिळणार म्हणजे ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्टेंटचं पिचिंग सुरू झालं आहे. ज्या स्टुडंट्सच्या फिल्म्स आहेत त्या तर सगळ्याच्या सगळ्या आपल्याकडे दिसायला लागतील वन ओटीटीवर. आणि ओरिजिनल कॉन्टेंटचं पण स्काउटिंग सुरू झालं आहे विस्लिंग बुड्स बरोबर, जसा जसा आमच्या रिक्वायरमेंटला मॅच होणारा कॉन्टेंट येत राहील. कारण त्यांच्याकडे पण जसं म्हटलं होतं की खूप आयडिएशन आहे आणि खूप वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आहेत, तर आमची एकमेकांची सिनर्जी वर्क करून जितक्या जास्त टॅलेंटपर्यंत पोचता येईल. कारण मगाशी सर म्हणले होते की कॉन्टेंट क्रिएटर्स आणि कॉन्टेंट क्रिएशन हा गाभा आहे या सगळ्याचा, कॉन्टेंट इज किंग. आणि म्हणजे सुभाष गाईंपेक्षा काय मोठं नाव हे सांगणार की कॉन्टेंट इज किंग. तर त्या कॉन्टेंटला न्याय देण्याचा प्रयत्न पुरेपूर वन ओटीटीवर होईल, आणि त्याच्यासाठी जितकं जास्त आम्ही असोसिएट होऊ शकू ओरिजिनल कॉन्टेंटवर तितकं होण्याचा दोन्हीकडनं प्रयत्न राहील. सुभाषजी, अभी शुरू में आपने जो फास्टली चेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें कॉमेंट्स किए आपने, तो आपको क्या लगता है आगे जाके कितना ये आगे जाके क्या क्या आएगा इसमें एंटरटेनमेंट में, नए मीडिया में, और उसमें बॉलीवुड कितना डैमेज हो जाएगा? सबसे पहले तो आप बॉलीवुड मत कहिए, हिंदी चित्रपट सृष्टि, वी आर इंडियन सिनेमा. बॉलीवुड जो है किसी बीबीसी ने 1988 में हमारा करेक्ट मजाक किया था कि ये लोग नकलची हैं, हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड कह दो इनको, यू नो. और हमने उसको, उन्होंने हमारा क्या कहते हैं निरादर किया और उसका हमने सत्कार कर लिया और अपने आप को बॉलीवुड मानने लग गए. हिंदी सिनेमा बॉम्बे में बनता है और इंडियन सिनेमा के हम बहुत प्रमुख पार्ट हैं उसके. जैसे जैसे वर्ल्ड दुनिया में एवोल्यूशंस आता है, क्रांति आती है टेक्नोलॉजी की, कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन की, वैसे 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 हम भी साथ साथ स्टूडेंट की तरह चलते हैं. भारत भी चलता है, तो भारत के साथ हमारा महाराष्ट्र चलता है, महाराष्ट्र के साथ
विस्लीवुड भी चलता है, हम लोग भी चलते हैं, खासकर वो जो जिज्ञासु लोग होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी को जानने के उत्सुक रहते हैं और आगे आने वाले कंटेंट को कैसे होगा, जनरेशन जो बदल गई है, अभी पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे, अभी जीएम बोलते हैं, है ना? करेक्ट, गुड मॉर्निंग तो है नहीं, पहले पूरा मैच होता था 5 दिन का, अभी आईपीएल हो जाता है ना? पहले बेचारे जो क्रिकेटर थे वो बैंकों में काम करते थे, अभी करोड़ों रुपये कमाते हैं, वो बैंक बना लेते हैं। जो बैंकों में काम करते थे अब बैंक खरीद रहे हैं। तो बहुत बदला है भाई, लेट अस एक्सेप्ट दैट। और आगे क्या बदलने वाला है वो भी हमको देखना पड़ता है। और ये अच्छी बात है कि वी हैव ए रिसर्च सेंटर वर्कशॉप हमारे विस्लिंगवुड के अंदर, सब ये रिसर्च करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी, वर्चुअल रियलिटी के अंदर, वीआर टेक्नोलॉजी, तो हर टेक्नोलॉजी टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम बिल्कुल अपडेटेड हैं टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड, कंटेंट में भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन मैं सिर्फ ज़्यादातर जो एम्फेसिस करता हूँ कि भारतीय कहानी लो, हमारे भारतीय में हर भाषा में बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। लेट अस नॉट ट्राई टू एप वेस्टर्न फिल्म, लेट अस नॉट ट्राई टू एप कोरियन फिल्म और दूसरा सब्जेक्ट, वो बना रहे हैं, हमारी भाषा हम मेन जो बनाएंगे, हमारा अनुवाद करने दीजिए उनको। हम खुश होंगे जब हमारी हिंदी फिल्म जो है वो एक छोटे से कंट्री की भाषा में भी अनुवाद हो रहा है, उसका डब हो रहा है। जब मेरी फिल्म जो है अगर 200 भाषाओं में डब होती है तो खुशी होती है, या कि उनकी भाषाओं को हम लोग नकल करके हम बना रहे हैं। तो ये हमारा ध्येय है, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, आपके एक स्टूडेंट्स की मैंने एक मराठी फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी, उसमें मैसेज भी अच्छा था, एका रात्रि ची वाई, करेक्ट है ना? बिल्कुल, थैंक यू। और कुछ सवाल? सुभाष जी, अभी जिस तरह से साउथ की फिल्में आ रही है, चल रही है, KGF 2 लो, पुष्पा द राइस लो, तो आपको लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ नयापन सोचना पड़ेगा, नए कंटेंट लाना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको? अभी कंटेंट की बात करें आपने, इसलिए भैया नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आप तो जानते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी खोपड़ी चलना शुरू कर देती है। खोपड़ी बड़ी कमाल चीज़ होती है, जरूरत होनी चाहिए, हो जाता है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये जो भारत अपना मोबाइल टीवी, जी हाँ, वो जो अच्छा भारत का अपना मोबाइल टीवी, वो नाम अच्छा रखा है। और मैं क्या बोलता है कि OTT इतना लेट क्यों ये किया आपने, इतना लेट? हाँ सर, मैं वैसे ही लेट आया था इंडस्ट्री में। दो बातें होती हैं उसमें, या तो आप पहले उसके बिल्कुल विजनरी हों, आपने पहली बार शुरू किया हो, रिस्क लिया हो, और दूसरी होती है कि जब आप मार्केट देखते हैं कि भी मार्केट कंड्यूसिबल है, इसमें जो फंड्स लगाएंगे वो हमारे रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे, तो उस वक्त जाते हैं। दो ही टेंपर आता ना इंसान, या तो ये पूरा खोने के लिए आता है, या फिर थोड़ा खोने के लिए आता है, और फिर यह होता है खाली पाने के लिए, अब तो ट्राइड हो गया, यू नो, अब चेतन जी नरेंद्र जी आके ये सिक्योर बनी है, इधर लगा दो पैसा। हेलो हेलो सर, सर, व्हाट इज द वन कॉमन विजन दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस OTT ऐप? व्हाट कॉमन वन फैक्टर इज वी लुकिंग इन दैट आवर पिक्चर, आवर कंटेंट, आवर फिल्म्स विल बी सीन बाय द होल अर्थ, बाय 142 कंट्रीज, ये कॉमन है। इनका है प्लेटफॉर्म, हमारा है कंटेंट, और हमारे साथ और भी पूरी इंडस्ट्री आएगी, और लोग भी आएंगे, हम तो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं अभी। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज फॉर यू सर। रिसेंटली व्हेन वी टॉक अबाउट मराठी मीडियम, देयर आर सो मेनी मूवीज केम आउट, शेर शिवराज की मैं बात करूं, बहुत सारी मूवीज आए, डू यू थिंक दिस विल बी द परफेक्ट OTT एप्लीकेशन फॉर द मराठी मीडियम? बिकॉज मराठी कॉन्टेंट की मैं बात करूँ, काफी कॉन्टेंट आता है, बट वी कांट सी इन अमेजोन प्राइम हो जाए, नेटफ्लिक्स हो जाए, बहुत सारे ऐसे है, डू यू थिंक दिस विल बी द परफेक्ट OTT एप्लीकेशन फॉर द मराठी कॉन्टेंट? मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा मेरे सवाल जवाब को कि ये परफेक्ट है कि नहीं, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी देखने के बाद, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मराठी फिल्म्स और मराठी कंटेंट को इसमें इंक्लूड कर सके, बिकॉज माझी जन्मभूमी पण महाराष्ट्र आहे, माझी कर्मभूमी पण महाराष्ट्र आहे, आमच्या सगळ्यांचीच, त्यामुळे महाराष्ट्राबद्दल थोडंसं काय म्हणत, थोडं झुकतं माप आहेच म्हणत,
आणि ते असलंच पाहिजे, त्याच्यात काही गैर नाही. तर त्यामुळे मराठी कॉन्टेंटच्या बाबतीत आम्ही आग्रही निश्चित राहणार आहोत, पण हा मल्टी लिंग्वल प्लॅटफॉर्म आहे आणि हा हायपर रिजनल प्लॅटफॉर्म आहे, त्यामुळे मराठी बरोबरच बाकीच्या देशामधल्या भाषांची आणि बोली जसं सर म्हणले त्यातलाही कॉन्टेंट ह्याच्यात बघायला मिळणार आहे. अँड ऑडियन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू देर विल बी वन कॉमन क्वेश्चन दॅट ऑडियन्स विल आस्क यू इन फ्युचर ऑर वेन एव्हर युअर कॉन्टेंट, विल इट बी चार्जेबल ऑर इट विल बी लाईक. सो दिस इज नॉट द राईट प्लेस टू आन्सर दिस क्वेश्चन बिकॉज वी आर असोसिएशन की बात कर रहे, बट बता दूं तो बता ही देते हैं सर कि द प्लॅटफॉर्म इज गोइंग टू बी फ्री, वी आर वर्किंग ऑन एन एवॉर्ड मॉडल, there will be no charge to come to the platform. आप आइए, content है आपके लिए बन रहा है, advertise देखिए और content को enjoy कीजिए. So it's going to be a free platform. Thank you so much. कोई भी सौदागर है ना, सौदागर पहला जो Apple है वो free देता है. Right sir. फिर दूसरा भी free, जब चस्का लग जाए तो बोला भी दिखा सकते. Don't worry, we'll be charged for Twitter and WhatsApp also by soon. Wait for a time. Thank you, sir. Thank you. I think we'll take one-on-one questions now. I'll just... Jyoti, sorry. One question, that is, you are launching Bharat Ka Apna Mobile. One question I want to ask you is whether it will be visible only in mobiles or even in those who want to see in computer or Fire TV, because that will be wider audience. I would request Chetan Bhai to answer that because he will be able to answer it better. Sir, we will be available across all platforms, not just on mobile TV. So you can enjoy our content across all mediums of content. Because the tagline misleads, Bharat ka apna mobile. Mobile TV, laptop has also become mobile now. You see, you work on your mobile while traveling. So everything is mobile now, sir. And are you going to make it a niche platform? Because from the names of the projects I saw, none of them is a big... like Subhash Gai used to make at one time, those kind of big budget projects are not visible. So you plan to do only niche films or even go in for commercial blockbusters? Sir, Subhash ji se associate hue hain to blockbuster to hona hi hai. ek ek cheez samne layenge, utna zyada mauka milega aap sab se milte rehne ka. Ek hi press conference mein sab bata denge to kaise maza aayega. उतनी ज्यादा बार चाय पियेंगे, उतनी ज्यादा बार खाना खाएंगे. Thank you.
उस अकादमी हो रहा है। कांग्रेचुलेशन गाइस, न्यू ओटीटी एप्लीकेशन, हाउ डज इट फील सर? आपसे जानना चाहूंगा कितने ज्यादा एक्साइटेड और इस मौके को लेकर। वन ओटीटी बहुत हंबल्ड एंड ऑनर्ड कि आज वी टाइड अप विद व्हिस्लिंग वुड्स एंड सर हैज स्पेंड टाइम फॉर अस एंड द शोमैन हिमसेल्फ सुभाष जी इज हियर। और व्हिस्लिंग वुड्स के बच्चों ने जो फिल्में बनाई हैं वो अब वन ओटीटी पे अवेलेबल होंगी एंड हमारे लिए बहुत गर्व की बात है बिकॉज हम मानते हैं कि वन ओटीटी इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग एज अ स्टूडेंट। हम एक नया ओटीटी लेकर आए हैं आपके सामने और बहुत जल्द आई थिंक विद इन दिस मंथ इसका हार्ड लॉन्च होगा। द बीटा टेस्टिंग इज ऑलरेडी ऑन एंड सर हैज़ बीन वेरी वेरी जनरस एंड काइंड एंड व्हिस्लिंग वुड्स के बच्चों की जितनी फिल्में और हम जब बच्चे कहते हैं सो सम ऑफ द नेम्स आर ऑलरेडी बिग नेम्स इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री टूडे। सो हम बच्चे कहते हैं बिकॉज सर के स्टूडेंट्स है। बाय दैट सम ऑलरेडी सुपर हिट फिल्म मेकर्स, सम ऑन द वे टू बींग ग्रेट नेम्स इन द इंडियन सिनेमा स्पेस एंड सम अमेजिंग टैलेंट ऑफ व्हिस्लिंग वुड्स इन एवरी टेक्निकल डिपार्टमेंट। उन्होंने फिल्में बनाई है अक्रॉस 4 लैंग्वेजेस और ये फिल्में बड़ी रॉ है, बड़ी रियल है बिकॉज यू नो आप ये आपके स्टूडेंट लाइफ की फिल्में हैं। सो दे आर एज प्योर एज फिल्म्स कैन गेट एंड हमको बहुत खुशी होगी कि ये सारी फिल्में अवेलेबल होंगी वन ओटीटी पे। पैरेलली वी ऑल्सो एंटर्ड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद व्हिस्लिंग वुड्स जहाँ हम व्हिस्लिंग वुड्स के साथ और मुक्ता आर्ट्स के साथ ओरिजिनल कॉन्टेंट प्रोड्यूस करेंगे फॉर वन ओटीटी एंड सर हैज़ बीन अ गाइडिंग लाइट टू अस इवन बिफोर मीटिंग हिम। हम सब उनकी फिल्में देखकर उनका काम देखकर बड़े हुए हैं और उन्होंने हमको सिखाया कि कॉन्टेंट इज किंग एंड इस एसोसिएशन के जरिए हम और बेहतर कॉन्टेंट वन ओटीटी पे लाने की कोशिश करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट टू इयर्स द रेवोल्यूशन ऑफ ओटीटी हैज बीन सो लार्ज, पीपल आर वाचिंग ओटीटी, पीपल आर रिलेटिंग द कंटेंट टू ओटीटी, हाउ डू यू सी द दिस रेवोल्यूशन सर? इट्स अ वेरी डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू वॉच द ग्रोथ ऑफ ओटीटी ड्यूरिंग पेंडेमिक। इट वॉज मोर ऑब्वियस टू अस लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो ऑन द वे है, इसके आगे भी कुछ होने वाला है। ओवर द टॉप है, अलोंग द टॉप, राइट साइड, लेफ्ट साइड सब होने वाला है। यू सी इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज 360 एंगल से एक वास्ट प्लेटफॉर्म मिलने वाला है लोगों को जिसमें कि वो हर भाषा में, हर बोली में कोई भी फिल्म, कोई भी कंटेंट देख सकते हैं। एंड मैं आज की डेट में वन ओटीटी का बहुत अवश्य शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे बच्चों की जो व्हिस्लिंग वुड्स के टैलेंट हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनकी जो डिप्लोमा फिल्म देखी और उन्होंने देखने के बाद उन्होंने तय किया ये फिल्में हम पूरे पूरे दुनिया को दिखाएंगे, हर भाषा में, हर देश में, उस देशों की भाषा में, अपने देशों की, अपने देश की भाषा में, प्रदेश के देशों की भाषा में भी उन फिल्मों को दिखाएंगे। अब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है हमारे बच्चों को कहाँ मिल सकता था। और ये हमारा एसोसिएशन जो है आगे भी चलने वाला है क्योंकि व्हिस्लिंग वुड जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे 3 साल के परिश्रम के बाद तैयार होते हैं और वो कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, सिंगर, म्यूजिशियंस, डिज़ाइनर, मैनेजमेंट, बहुत से कोर्सेज हैं और पूरी टीम तैयार होती है हमारी। और मुझे आज का दिन जो है ऐसा लगता है कि ये सक्सेस व्हिस्लिंग वुड्स की भी है और इनके साथ ज्वाइन करने के बाद हमको एक अदर अपॉर्चुनिटी नंबर 2 है जहाँ हम प्रूव कर सकते हैं बाकी कंटेंट लाने के लिए भी। सर आपसे जानना चाहूँगा व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आर लुक वी विल लुक इन वन मीडिया? या आई रिक्वेस्ट NF2 आंसर दैट। नो सो वी विल हैव ऑल टाइप ऑफ कंटेंट, सो एज वी सेड वी आर गोइंग रीजनल, सो देयर वुड बी लाइक समवन मेंशनड द डॉक्यूमेंट्रीज, वी विल हैव डॉक्यूमेंट्रीज, वी विल हैव मूवीज, वी विल हैव शोज, वी विल हैव ओरिजिनल शोज, सो इट वुड बी लाइक यू सी इन ऑल द अदर ओटीटी, वी विल हैव एवरीथिंग ऑन द ओटीटी। And is there any target which you have set for this one ODDR? For the launch? Yeah, for the launch details in just a few days, yeah. The beta testing is already on, launch details in just a few days. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ ऐसी बात जो आपको काफी पसंद आई जिससे आपने ये collaboration किया? इनका vision और इनका जोश